हेलो गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का फिर से एक बार टॉप 10 क्लासेस के क्रैश कोर्स में। जैसा कि पिछले पार्ट में हम लोग लघु विचारधान व गुरु विचारधान के अंतर के बारे में पढ़े थे, फिर आज जो हम लोगों का टॉपिक है वह है परागण। तो आइए हम लोग परागण को पढ़ते हैं। तो गाइस, परागण को अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिनेशन। परागण का परिभाषा होता है परागण का परिभाषा होता है कि पुष्प के परागकोष से पुष्प के परागकोष से मुक्त परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर आने की प्रक्रिया परागण कहलाता है गाइस, जो हम लोगों का परागण है या पुष्प के परागकोष से मुक्त परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी जात के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर आने की प्रक्रिया को हम लोग परागण कहते हैं। परागण दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। स्वपरागण को अंग्रेजी में बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन तथा परपरागण को अंग्रेजी में बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। आइए हम लोग इसके बारे में अध्ययन करते हैं। जो यह परागण होता है पॉलिनेशन, पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपरागण जिसे हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा हम लोगों का है परपरागण। जिसे हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण परपरागण, स्वपरागण को अंग्रेजी में बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन तथा परपरागण को अंग्रेजी में बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण वह परागण होता है जिसमें किसी पुष्प के परागकोष से मुक्त परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर निषेचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं, तो उसे हम लोग स्वपरागण कहते हैं। परपरागण किसी पुष्प के परागकोष से मुक्त परागकण किसी दूसरे उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर निषेचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं, तो उसे हम लोग परपरागण कहते हैं। तो स्वपरागण दो प्रकार का होता है, आइए इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। स्वपरागण जो होता है यह दो प्रकार का होता है, एक स्वयुग्मन जिसे हम लोग ऑटोगैमी बोलते हैं, स्वयुग्मन ऑटोगैमी तथा जो दूसरा हम लोगों का है वह सजात पुष्पी परागण, सजात
पुष्पी परागण, जिसे हम लोग जिग्नोगैमी कहते हैं, जिग्नोगैमी कहते हैं। जो हम लोगों का स्वपरागण होता है यह दो प्रकार का होता है। जो पहला होता है स्वयुग्मन, इसे हम लोग ऑटोगैमी बोलते हैं, तथा जो दूसरा होता है सजात पुष्पी परागण, जिसे हम लोग जेनेटोगैमी बोलते हैं। हम लोगों का परपरागण भी दो प्रकार का होता है, परपरागण दो प्रकार का होता है। एक होता है अजैविक संसाधन द्वारा, अजैविक संसाधन द्वारा, दूसरा होता है जैविक संसाधन द्वारा। जैविक संसाधन द्वारा जैविक संसाधन द्वारा अजैविक संसाधन में यह दो प्रकार का होता है। पहला वायु परागण, दूसरा जल परागण, जल परागण। जो अजैविक संसाधन में हम लोगों का पहला होता है वायु परागण, तथा दूसरा होता है जल परागण। जल परागण को हम लोग बोलते हैं जो जूफिली, जूफिली, तथा वायु परागण को हम लोग बोलते हैं एनिमोफिली, एनिमोफिली। जो वायु परागण होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनुओफिली, तथा जो जल परागण होता है उसको हम लोग बोलते हैं जूफिली। तथा यह जैविक संसाधन यह भी दो प्रकार का होता है। जो पहला होता है वह है हम लोगों का कीट परागण, कीट परागण को हम लोग बोलते हैं एंटीमोफिली, एंटीमो फिली। वह दूसरा होता है हम लोगों का जंतु परागण, जंतु परागण, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली। तो गाइस यह है हम लोगों का पॉलिनेशन परागण के भाग। परागण दो प्रकार का होता है, पहला होता है स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। जो हम लोगों का स्वपरागण होता है वह दो प्रकार का होता है, पहला होता है स्वयुग्मन, जिसे हम लोग ऑटोगैमी बोलते हैं, तथा दूसरा हम लोगों का होता है सजात पुष्पी परागण, जिसे हम लोग जिटेनोगैमी बोलते हैं। इसके पश्चात फिर हम लोगों का परपरागण आता है। परपरागण दो प्रकार का होता है, इसमें पहला होता है अजैविक संसाधन द्वारा, दूसरा होता है जैविक संसाधन द्वारा। अजैविक संसाधन द्वारा यह दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला होता है वायु परागण, जिसे हम लोग एंटोमोफिली बोलते हैं, तथा दूसरा होता है हम लोगों का जल परागण, जिसे हम लोग जूफिली बोलते हैं। तथा जैविक संसाधन में भी यह दो प्रकार का होता है, पहला होता है कीट परागण, जिसे हम लोग एंटीमोफिली बोलते हैं, तथा दूसरा हम लोगों का होता है जंतु परागण, जिसे हम लोग हाइड्रोफिली बोलते हैं। तो आइए अब हम लोग बारी बारी से इसका अध्ययन करते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं स्वपरागण। जो पहला हेडिंग है हम लोगों का वह है स्वपरागण। स्वपरागण, स्वपरागण वह परागण होता है, स्वपरागण वह परागण होता है स्वपरागण वह परागण होता है जिसमें पुष्प के पुष्प के पराग कोष से मुक्त परागकण, पुष्प के
पराग कोष से मुक्त परागकण, मुक्त परागकण उसी पुष्प के, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आकर, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आकर, वर्तिकाग्र पर आकर निषेचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं। निषेचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं, निषेचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं, निषेचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं। जो हम लोग गाय, जो हम लोगों का स्वपरागण होता है, स्वपरागण वह परागण होता है जिसमें पुष्प के पराग कोष से मुक्त परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आकर निषेचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं, तो उसे हम लोग स्वपरागण कहते हैं। आइए हम लोग इसे चित्र बनाकर समझते हैं। गाइस, यह हम लोगों का एक पुष्प का चित्र है। यह हम लोगों का एक पुष्प का चित्र है, इसे हम लोग पुष्पासन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोगों का वर्तिकाग्र तथा यहाँ पर हम लोग पराग कोष बना देते हैं। यह है हम लोगों का वर्तिकाग्र। और यह है पराग कोष जिसमें परागकण हैं, पराग कोष। गाइज, यह हम लोगों का है स्वपरागण का फिगर, जिसमें यह पराग कोष है, यह वर्तिकाग्र है। जब यह पराग कोष पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो इससे इससे पराग कण निकलते हैं, तथा जब यह वर्तिकाग्र पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो यहाँ से जब यह इसका स्फुटन होता है तो यहाँ से ये पराग कण इसी वर्तिका पर आ जाते हैं, इसी वर्तिका पर आ जाते हैं, तो पराग कोष से पराग कण मुक्त होकर उसी पुष्प के वर्तिका पर आते हैं, तो इसे हम लोग स्वपरागण कहते हैं। वर्तिका विकसित, वो वर्तिका जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है तो पराग कोष से परागकण आकर वर्तिका पर निषेचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं, तो इसे हम लोग स्वपरागण कहते हैं। इसके बाद अब स्वपरागण दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वयुग्मन, एक होता है सजात पुष्पी परागण। तो अब हम लोगों का जो दूसरा हेडिंग है वह है स्वयुग्मन। स्वयुग्मन जिसे इंग्लिश में ऑटोगैमी बोलते हैं, स्वयुग्मन। स्वयुग्मन भी यही होता है कि जब किसी पुष्प के पराग कोष से, जब किसी पुष्प के पराग कोष से मुक्त पराग कण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आकर निषेचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं, तो उसे हम लोग स्वयुग्मन कहते हैं। तो आइए इसे लिखते हैं, ये दोनों एक ही हैं फिर भी हम लिख दे रहे हैं। स्वपराग स्वयुग्मन स्वयुग्मन वह प्रक्रिया है, स्वयुग्मन वह प्रक्रिया है जिसमें पुष्प के, जिसमें पुष्प के पराग कोष से मुक्त परागकण, जिसमें पुष्प के पराग कोष से मुक्त परागकण, मुक्त परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे आकर
मुक्त परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आकर निषेचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं। निषेचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं तो उसे ऑटोगैमी बोलते हैं, उसे ऑटोगैमी कहते हैं। गाइस, जो हम लोगों का स्वयुग्मन होता है, स्वयुग्मन वह प्रक्रिया है जिसमें पुष्प के पराग कोष से मुक्त परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आकर निषेचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं, तो इसे हम लोग स्वयुग्मन कहते हैं। स्वयुग्मन हम लोग इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। यह हम लोगों का पराग कोष से यह मुक्त परागकण वर्तिकाग्र पर आकर निषेचन की क्रिया को पूर्ण किए, इसे हम लोग स्वयुग्मन व स्वपरागण दोनों बोलते हैं। अब हम लोगों का जो दूसरा टॉपिक है वह है सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण वह प्रक्रिया है जिसमें एक पुष्प के पराग कोष से मुक्त परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर निषेचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं, तो उसे हम लोग सजात पुष्पी परागण बोलते हैं। एक बार फिर से हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि सजात पुष्पी परागण वह प्रक्रिया है जिसमें एक पुष्प के पराग कोष से मुक्त परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर निषेचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं, तो उसे हम लोग सजात पुष्पी परागण कहते हैं। आइए लिखते हैं सजात पुष्पी परागण वह प्रक्रिया है जिसमें एक पुष्प के पराग कोष से मुक्त परागकण जिसमें एक पुष्प के पराग कोष से मुक्त परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर आकर निषेचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं तो उसे जिनेटोगैमी कहते हैं। गाइस, जो हम लोगों का सजात पुष्पी परागण होता है, सजात पुष्पी परागण वह प्रक्रिया है जिसमें एक पुष्प के पराग कोष से मुक्त परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर निषेचन की क्रिया को पूर्ण करता है, तो उसे हम लोग सजात पुष्पी परागण बोलते हैं। आइए अब हम लोग यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझते हैं। जिनोटोगैमी
या हम लोगों का मान लीजिए एक पेड़ ए है और यहाँ पर एक पेड़, केवल एक पेड़ इसमें हमें लेना है, यह है उसका पत्तियाँ, तथा यहाँ पे हम लोग एक पुष्प बना देते हैं। और हम लोगों का यहाँ पे एक पुष्प है, गाइस यह हम लोगों का एक पुष्प है जिसमें यहाँ पर है परागकण, परागकोष है जिसमें परागकण होते हैं, यहाँ पर परागकोष तथा यहाँ पर है वर्तिका, वर्तिकाग्र, और यह भी वर्तिकाग्र ही है ना। तो गाइज इसमें जो हम लोगों का सजात पुष्पी परागण है, सजात पुष्पी परागण की वह प्रक्रिया है जिसमें यहाँ पर जो परागकोष में पाए जाने वाले परागकण हैं, ये इस पुष्प के पराग, ये इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर न जाकर बल्कि ये किसी उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं, तो जिसे हम लोग सजात पुष्पी परागण कहते हैं। गाइज यह वह प्रक्रिया है जिसमें किसी दूसरे पुष्प के परागकोष से मुक्त परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर आकर निषेचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं, तो उसे हम लोग सजात पुष्पी परागण कहते हैं। तो यह हो गया हम लोगों का सजात पुष्पी परागण। तो अब हम लोगों का जो चलेगा स्व परागण, जो हम लोगों का अब नेक्स्ट हेडिंग है वह है स्व परागण की प्रक्रिया, स्व परागण की प्रक्रिया। तो आइए पहले हम लोग इन सबको साफ कर देते हैं। अब जो हम लोगों का नेक्स्ट हेडिंग है यह है स्व परागण के लिए प्रयुक्त युक्तियां। मतलब वह प्रक्रिया है जो स्व परागण को बढ़ावा देती है, तो उसे हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पहला पुष्प का द्विलिंगी होना, जो है पहला पुष्प का द्विलिंगी होना। गाइस जो हम लोगों का इसमें पहला हेडिंग है वह पुष्प का द्विलिंगी होना। द्विलिंगी पुष्प वह पुष्प होता है जिसमें नर जननांग व मादा जननांग दोनों एक ही पुष्प में निहित होता है, तो उसे हम लोग द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। जब द्विलिंगी पुष्प में नर व मादा जननांग एक ही पुष्प में उपस्थित रहेगा तो इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, तो इसलिए स्व परागण की क्रिया को बढ़ावा देने वाला होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, जो हम लोगों का हेडिंग है पुष्प का द्विलिंगी होना। द्विलिंगी पुष्प वह पुष्प होता है जिसमें नर भाग व मादा भाग ऐसे ही एक ही पुष्प में स्थित होते हैं तथा परिपक्व होने पर निषेचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं, तो उसे हम लोग पुष्प, तो उसे हम लोग स्व परागण की क्रिया कहते हैं, तो उसे हम लोग स्व परागण की क्रिया कहते हैं। तो यह प्रक्रिया स्व परागण को बढ़ावा देने वाली है। फिर इसके बाद हम लोगों का दूसरा है
अनु उन्मील परागणी पुष्प, परागणीय पुष्प जिसे हम लोग क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं, जिसे हम लोग क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। तो अनु उन्मील परागणी पुष्प वह पुष्प जो सदैव ढाका रहता है तथा उसके अंदर नर जननांग व मादा जननांग होते हैं तथा भी परिपक्व होने के पश्चात निषेचन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, तो उसे हम लोग अनु उन्मील परागणी पुष्प कहते हैं। इस प्रकार के पुष्प मकरंद रहित तथा सुगंध रहित होते हैं। एक बार हम फिर से आप लोगों को बता दें, यह जो अनु उन्मील परागणी पुष्प होता है ये सदैव बंद होते हैं तथा इनके पुष्प में नर जननांग व मादा जननांग स्थित होते हैं। ये सदैव बंद होते हैं तथा इनके अंदर नर जननांग व मादा जननांग होते हैं तथा इस प्रकार के निषेचन से प्राप्त पुष्प मकरंद रहित तथा सुगंध रहित होते हैं। ये थोड़ा कठिन है इसलिए आइए इसे लिख देते हैं। अनु उन्मील वे पुष्प जो सदैव बंद रहते हैं, वे पुष्प जो सदैव बंद रहते हैं तथा उसमें नर जननांग व मादा जननांग दोनों स्थित होते हैं, और परिपक्व होने के पश्चात निषेचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं। करते हैं तो उसे क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। तथा इस प्रकार के परागण से तथा इस प्रकार के परागण से इस प्रकार के परागण से तथा इस प्रकार के परागण से प्राप्त पुष्प मकरंद रहित व सुगंध रहित होते हैं। प्राप्त पुष्प मकरंद रहित व सुगंध रहित होते हैं। फिर इसके बाद, क्योंकि जब यह नर जननांग व मादा जननांग एक ही में होंगे तथा यह बाहर से ढका होगा तो उसमें स्वपरागण की क्रिया होना निश्चित है, इसलिए यह स्वपरागण की क्रिया को बढ़ावा देने के लिए होता है। इसके पश्चात फिर हम लोगों का जो तीसरा है वह है उन्मील परागणी पुष्प
उन्मील, उन्मील परागणी पुष्प जिसे हम लोग उन्मील परागणी पुष्प जिसे हम लोग कैस्मोगैमस, कैस्मोगैमस जिसे हम लोग कैस्मोगैमस फ्लावर कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्लेस्मोगैमस फ्लावर कहते हैं। यह फ्लावर और ये फ्लावर दोनों एक ही प्रकार के, दोनों एक ही प्रकार के पौधे में पाए जाते हैं। यह जो होता है यह इससे अलग होता है। इसके जो नर जननांग व मादा जननांग पुंकेसर व स्त्री केसर होते हैं यह प्रायः खुले हुए होते हैं तथा यह भी पर परागण की क्रिया के द्वारा ही होता है, लेकिन यह खुले हुए होते हैं तथा इससे जो फूल का निर्माण होता है वह सुगंध युक्त तथा मकरंद युक्त होता है। तो इसे लिखना तो उतना आवश्यक है नहीं, अब ऐसे आप लोग समझ लीजिए। इसमें तो यह थोड़ा क्रिटिकल था इसलिए मैंने इसे लिख दिया, यह समझ लीजिए। उन्मील परागणी पुष्प, उन्मील परागणी पुष्प यह है पुष्प के बाह्य क्षेत्र में स्थित होता है तथा इसमें पाया जाने वाला पुंकेसर व स्त्री केसर खुला होता है तथा यह भी स्वपरागण की क्रिया के द्वारा ही होता है इसमें निषेचन, तथा इससे प्राप्त बीज सुगंध युक्त तथा मकरंद युक्त होते हैं। इससे प्राप्त फूल, इससे प्राप्त फूल मकरंद युक्त, मकरंद युक्त व सुगंध युक्त होते हैं, सुगंध युक्त होते हैं, सुगंध युक्त होते हैं। इसका एक उदाहरण है कोमोलिना, कोमेलिना इसका एक उदाहरण है कोमेलिना, जिसमें ये दोनों भाग होते हैं। आइए अब हम लोग इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। हम लोग पहले एक पुष्प का निर्माण करते हैं कोमेलिना, इसका एग्जाम्पल, इन दोनों का एग्जाम्पल है कोमेलिना, कोमेलिना। इसमें हम इन दोनों पार्टों को आइए आप लोगों को दिखाते हैं। यह हम लोगों का है जड़, यह हम लोगों का जड़। फिर इसके बाद इसके बाहरी भाग ये हो गए, यहाँ पे ये इस पे कुछ इस प्रकार के लगे होते हैं पत्तियां, तथा यहाँ पर इसका पुष्प पाया जाता है यहीं से। गाइस यह हम लोगों का एक चित्र है जिसे हम लोग कोमेलिना बोलते हैं। यहाँ पे देखिए यह इसे जो यह नीचे है इसे हम लोग अनु उन्मील परागणी पुष्प बोलते हैं, अनु उन्मील परागणी पुष्प कहते हैं, अनु उन्मील परागणी पुष्प तथा इसे उन्मील परागणी पुष्प कहते हैं, इसे उन्मील परागणी पुष्प कहते हैं, इसे उन्मील परागणी पुष्प कहते हैं।
इसे यह ढका हुआ इसलिए होता है क्योंकि यह जमीन के अंदर पाया जाता है, इसलिए ढका हुआ होता है। इसमें स्वपरागण होता है तथा इससे जो बीज प्राप्त होता है, इससे जो फूल प्राप्त होता है वह मकरंद रहित तथा सुगंध रहित होता है तथा यह जो ऊपर वाला भाग होता है यह उन्मील परागणी पुष्प है। यह इसके जो वर्तिकाग्र तथा पुंकेसर स्त्री के सर होते हैं यह सब खुले होते हैं तथा यह भी स्वपरागण की क्रिया के द्वारा ही होता है। जो इससे प्राप्त फूल होते हैं वह सुगंध युक्त तथा मकरंद युक्त होते हैं। तो आइए अब हम इन लोगों को साफ करते हैं। यह हम लोगों का स्वपरागण के लिए प्रयुक्त युक्तियों में पहला पुष्प का द्विलिंगी होना, तीसरा अनु उन्मील परागणी पुष्प, दूसरा अनु उन्मील परागणी पुष्प, तीसरा अनु उन्मील परागणी पुष्प और चौथा एक है समकाल पक्वता। समकाल पक्वता जिसे हम लोग होमोगैमी बोलते हैं। समकाल पक्वता, समकाल पक्वता जिसे हम लोग होमोगैमी बोलते हैं। यह जो समकाल पक्वता होता है यह वह समय होता है, समकाल पक्वता वह समय होता है जिसमें किसी पुष्प के नर जननांग व मादा जननांग दोनों साथ साथ परिपक्व होते हैं तो उस समय को हम लोग समकाल पक्वता कहते हैं। समकाल पक्वता वह समय होता है जिसमें किसी पुष्प के नर जननांग व मादा जननांग दोनों साथ साथ विकसित होते हैं तो उसे हम लोग समकाल पक्वता कहते हैं। आइए लिख देते हैं समकाल पक्वता वह समय होता है जिसमें नर जननांग वह मादा जननांग साथ साथ विकसित होते हैं तो गाइज समकाल पक्वता वह समय होता है जिसमें नर जननांग व मादा जननांग दोनों साथ साथ विकसित होते हैं तो उसे हम लोग समकाल पक्वता कहते हैं। जब नर जननांग व मादा जननांग दोनों साथ साथ विकसित होंगे तो या तो क्लियर है कि उसमें स्वपरागण ही होगा क्योंकि साथ साथ विकसित होंगे तो जो नर भाग परागण है वह मादा भाग के वर्तिकाग्र पर आकर निषेचन की क्रिया को पूर्ण करेगा। तो यह अभी तक हम लोगों ने पढ़ा स्वपरागण के लिए प्रयुक्त युक्तियां। पहला है पुष्प का द्विलिंगी होना, अनु उन्मील परागणी पुष्प, उन्मील परागणी पुष्प, समकाल पक्वता। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं स्वपरागण से लाभ। यह हम लोगों का हो गया, स्वपरागण खत्म हो गया। जितना अभी गाइज मैं पढ़ाया हूँ इसमें से तीन नंबर का पूछता है स्वपरागण या स्वपरागण के बारे में वर्णन या स्वपरागण से लाभ, यही पूछता है। तो आइए अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है स्वपरागण से लाभ। जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है वह है स्वपरागण से लाभ। स्वपरागण से लाभ पहला, स्वपरागण से प्राप्त बीज, स्वपरागण से प्राप्त बीज पूर्णतः शुद्ध होते हैं गाइस। जो हम लोगों का पहला है स्वपरागण से प्राप्त बीज पूर्णतः शुद्ध होते हैं, दूसरा
स्वपरागण से प्राप्त बीज उच्च कोटि के होते हैं। स्वपरागण से प्राप्त बीज उच्च कोटि के होते हैं। उच्च कोटि के होते हैं। उच्च कोटि के होते हैं। तीसरा है, स्वपरागण में परागकणों का ज़्यादा क्षय नहीं होता है। स्वपरागण में परागकणों का ज़्यादा क्षय नहीं होता है। स्वपरागण में परागकणों का ज़्यादा क्षय नहीं होता है। क्षय नहीं होता है जो हम लोगों का। चौथा है, स्वपरागण से परागण की क्रिया निश्चित होती है। स्वपरागण से बीज का निर्माण निश्चित होता है। स्वपरागण से बीज का निर्माण निश्चित होता है। गाइस पहला है हम लोगों का स्वपरागण से प्राप्त बीज पूर्णतः शुद्ध होते हैं। दूसरा, स्वपरागण से प्राप्त बीज उच्च कोटि के होते हैं। तीसरा, स्वपरागण से परागकणों का ज्यादा क्षय नहीं होता है। चौथा है, स्वपरागण से बीज का निर्माण निश्चित होता है। अब पांचवा है हम लोगों का, स्वपरागण से प्राप्त बीज की रोपाई करने पर वे उच्च उत्पाद देते हैं। तो यह हम लोगों का हो गया स्वपरागण से हम लोगों को इतने लाभ होते हैं। पहला, स्वपरागण से प्राप्त बीज पूर्णतः शुद्ध होते हैं। स्वपरागण से प्राप्त बीज उच्च कोटि के होते हैं। स्वपरागण में परागकणों का ज़्यादा क्षय नहीं होता है। स्वपरागण से बीज का निर्माण निश्चित है। स्वपरागण से प्राप्त बीज की रोपाई करने पर वे उच्च उत्पाद देते हैं। फिर अब हम लोगों का आ जाता है स्वपरागण से हानि। नेक्स्ट है हम लोगों का स्वपरागण से हानि। पहला, स्वपरागण से प्राप्त बीज पूर्णतः शुद्ध होते हैं। जिससे उत्पन्न संतति में कोई बदलाव नहीं होता है। जो आर्थिक रूप से हानिकारक होते हैं नुकसानदायक होते हैं। दूसरा,
पहला स्वपरागण से प्राप्त बीज पूर्णतः शुद्ध होते हैं जिससे उत्पन्न संतति में कोई बदलाव नहीं होता जो आर्थिक रूप से नुकसानदायक होते हैं। स्वपरागण से प्राप्त बीज की रोपाई करने पर वे उच्च उत्पाद प्राप्त कराते हैं लेकिन केवल एक या दो बार के लिए। गाइस यह है स्वपरागण से हान। स्वपरागण से प्राप्त बीज पूर्णतः शुद्ध होते हैं जिससे उत्पन्न संतति में कोई अलगाव नहीं होता है जो आर्थिक रूप से नुकसानदेह होता है। फिर जो हम लोगों का दूसरा है, स्वपरागण से प्राप्त बीज की रोपाई करने पर वे उच्च उत्पाद प्राप्त कराते हैं केवल एक से दो बार। फिर जब इसकी तीसरी बार बुआई करेंगे तो यह इसका जो उत्पाद करने की क्षमता रहेगी यह एकदम कम हो जाती है। इसलिए यह है इससे स्वपरागण से लाभ तथा स्वपरागण से हानि। गाइज यह एग्जाम में 3 नंबर का पूछता है तथा इसमें से स्वपरागण से लाभ तथा स्वपरागण से हानि के बारे में बताना रहता है। अब हम लोगों का स्वपरागण पूरा हो चुका है। हम लोग स्वपरागण के प्रकार स्वयुग्मन, सजात पुष्पी परागण तथा परागण को बढ़ाने वाले कारक, इसके पश्चात हम लोग स्वपरागण से लाभ स्वपरागण से हानि के बारे में पढ़ चुके हैं। अब जो हम लोगों का दूसरा टॉपिक है वह है परपरागण। जो हम लोगों का है पर परागण, जिसे हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन। गाइज क्लास लंबा जा रहा है क्योंकि यह एग्जाम की दृष्टि से मेन है, इसलिए आप लोग देखते रहिए। जो है पर परागण, परपरागण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी एक पुष्प के परागकोष से मुक्त परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर जाकर निषेचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं तो उसे हम लोग परपरागण कहते हैं। आइए लिखते हैं, परपरागण वह प्रक्रिया होती है जिसमें पुष्प के परागकोष से मुक्त परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर आकर निषेचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं निषेचन की क्रिया को
अपूर्ण करते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं, तो उसे परपरागण कहते हैं, तो उसे परपरागण कहते हैं। गाइज, परपरागण वह प्रक्रिया है जिसमें पुष्प के वर्तिका जिसमें एक पुष्प के परागकोश से मुक्त परागकण उसी जात के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर निषेचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं तो उसे हम लोग परपरागण कहते हैं। परपरागण, आइए हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक ये पेड़ हमारा हो गया ए, एक हमारा पेड़ हो गया बी, ए बी, यहां पर हम लोगों का हो गया पुष्प, यह हो गया हम लोगों का परागकोश और यह हो गया वर्तिकाग्र और एक पुष्प ये है। गाइज, यह हम लोगों का एक पुष्प ए है, यह एक पुष्प बी है, इसमें यह है हम लोगों का वर्तिका, यह है वर्तिका और यह है हम लोगों का परागकोश। परागकोश में परागकण होते हैं तो किसी पुष्प के परागकोश से जब परागकण निकलते हैं तो वे किसी माध्यम के द्वारा किसी आप उसी समान जाति के अपने ही जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं। पर परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है तो इसलिए परागकण से मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी माध्यम के द्वारा उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर निषेचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं तो उसे हम लोग परपरागण कहते हैं। परपरागण के लिए सबसे मेन पॉइंट है परपरागण में माध्यम की आवश्यकता होती है तथा स्वपरागण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो आइए अब हम लोग परपरागण के पार्ट के बारे में अध्ययन करें। जो है हम लोगों का पहला वायु परागण, वायु पर परागण, वायु पर परागण, वायु परागण, वायु परागण। तो गाइस, हम लोग पहले दो पुष्पों का चित्र बनाते हैं। यहां पर हम लोगों का हो गया एक पुष्प, और एक हम लोगों का यहाँ पर होगा दूसरा पुष्प।
ये आम लोगों का हो गया पुष्प ए, ये आम लोगों का हो गया पुष्प बी। पुष्प ए वायु परागण क्या होता है, जैसे जब यह पुष्प ए है तथा यह पुष्प बी है, पुष्प ए का जो यह परागकण है परागकोष है, यहाँ पे परागकण पाए जाते हैं तथा यह इसका परागकोष है। जब ये दोनों पास पास में स्थित होते हैं, जब हवाएं तेज चलती हैं तो यह इसकी टहनियाँ जो होती है एक बार ऐसे मूवमेंट करते हैं एक बार ऐसे, तो जो परागकोष में उपस्थित परागकण होते हैं ये झड़ कर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं। जब हवाएं तेज चलती हैं तो यह एक बार इधर जाएगा एक बार इधर, ये दोनों बहुत पास पास होते हैं तो इसलिए यह जब इधर जाएगा या इधर जाएगा तो इसके द्वारा जो यहाँ पर परागकोष होता है यह पूर्ण रूप से परिपक्व होता है, तो इधर उधर हिलने डुलने की वजह से इसके जो परागकण होते हैं या यहाँ से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं, तो इसे हम लोग वायु द्वारा परागण कहते हैं तथा इसमें जो माध्यम होता है हम लोगों का वायु होता है, इसमें जो माध्यम होता है हम लोगों का वह वायु होता है। तो वायु परागण क्या होता है, वह परागण जो वायु माध्यम के द्वारा होता है तो उसे हम लोग वायु परागण कहते हैं। वायु परागण वह परागण जिसमें माध्यम वायु होता है, वह परागण जिसमें माध्यम वायु होता है, वह परागण जिसमें माध्यम वायु होता है तो उसे एनिमोफिली कहते हैं। वह परागण जिसमें माध्यम वायु होता है तो उसे हम लोग वायु परागण कहते हैं। वायु परागण में जो जब हवाएं तेज चलती हैं, जो यह ए पेड़ है यह हिलता डुलता है, तो हिलने डुलने के कारण जो इसके परागकोष में मुक्त परागकण होते हैं या किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं तथा निषेचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं, तो उसे हम लोग वायु परागण बोलते हैं। वायु परागण में माध्यम हमारा वायु होता है। फिर इसके बाद हम लोगों का दूसरा है जल परागण। दूसरा जो हम लोगों का है जल परागण, जल परागण वह परागण जिसमें माध्यम जल होता है, जिसमें माध्यम जल होता है तो उसे जोफिली जल परागण कहते हैं। वह परागण जिसमें माध्यम वायु होता है तो उसे हम लोग जल परागण कहते हैं। जल परागण के लिए हम लोगों के पास एक उदाहरण है, साल्वेनिया। साल्वेनिया एक पुष्प होता है जो जल में पाया जाता है। वैलिसनेरिया इसका एग्जाम्पल है। वैलिसनेरिया इसका जो एग्जाम्पल होता है वह है वैलिसनेरिया। जो जल परागण होता है जिसमें माध्यम जल होता है तो उसे हम लोग जल परागण कहते हैं। जल परागण का एग्जाम्पल है वैलिसनेरिया। आइए हम लोग इसका चित्र बनाकर समझते हैं। यह हम लोग पहले स्टीम बना लेते हैं क्योंकि इसमें दो भाग होते हैं, एक नर भाग होता है एक मादा भाग होता है। यह हम लोगों का स्टीम बन गया। फिर यहाँ से जड़,
फिर यहां से हम लोग नर भाग बना देते हैं। यह हम लोगों का नर भाग है। और अब हम लोग मादा भाग बनाते हैं। ये हम लोगों का एक मादा भाग हो गया तथा यहाँ से हम लोग वर्तिका को लाते हैं तथा यहाँ पे वर्तिकाग्र ऊपरी आवरण में आ गया है। यह ये जो पाए जाते हैं यह सब जल के अंदर होता है, ये सब जली पादप होते हैं। तो यह जो प्रक्रिया होती है यह जल के अंदर होती है। यह हम लोगों का जल हो गया तथा यह जो पुष्पक्रम होता है यह स्पैडिक्स क्रम में होता है। यह जो पुष्पक्रम होता है स्पैडिक्स, इसका जो पुष्पक्रम होता है यह स्पैडिक्स होता है, स्पैडिक्स। अब गाइस यहाँ समझते हैं कि यह जो नर भाग का परिपक्व है, यह नर परिपक्व नर का चित्र है या परिपक्व मादा। यह है मादा भाग, यह है नर भाग और यह है स्टीम, यह है रूट और यह है स्टीम। गाइस यह जो नर भाग है यह स्पैडिक्स पुष्करम में व्यवस्थित होते हैं। जो इसका नर भाग होता है इसके पुष्करम, यह जो पुष्करम स्पैडिक्स है इसमें छोटे छोटे पुष्प भाग, नर पुष्प भाग, छोटे छोटे असंख्य नर पुष्प भाग पाए जाते हैं। यह जो हम लोगों का स्पैडिक्स है, जो पुष्पक्रम है स्पैडिक्स पुष्पक्रम में व्यवस्थित है। यह जो नर पुष्पक्रम है इसमें जो नर पुष्प होते हैं यह छोटे छोटे पाए जाते हैं तथा जब यह परिपक्व हो जाते हैं तो यह यहाँ से निकलकर, जब यह परिपक्व हो गया तो यह फट जाता है तो यह यहाँ से निकलकर इनका घनत्व के कारण ये जल के ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। जैसे ये जल के ऊपरी सतह पर आते हैं जो या इनके ये भाग है ये ऐसे फूल जाते हैं तथा यहाँ पर परागकण लगे रहते हैं जैसे ही यह ऐसे इनके जो पंखुड़ी होते हैं या जल में बंद होती है इनका घनत्व कम होता है, इसके कारण यह जल के ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। ऊपरी सतह पर आने के पश्चात ये जो पंखुड़ियाँ होती है ये जो बंद है ये खुल जाती हैं तथा खुलने के पश्चात परागकण बाहर निकल जाते हैं तथा ये खुलने के पश्चात जल की सतह पर तैरने लगते हैं तथा यह है परिपक्व नर भाग का चित्र तथा यह है परिपक्व मादा भाग का चित्र। जो है मादा पुष्प यह एकल होता है, जो इसमें मादा पुष्प होता है यह एकल होता है तथा यह जो है इसे हम लोग बोलते हैं वर्तिका, इसे हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र।
जब मादा भाग का पुष्प जो है वर्तिका जब यह परिपक्व हो जाता है तो यह जो वर्तिका इसमें ऐसे कुंडली मार के बैठा रहता है तो यह धीरे धीरे फैल जाता है तथा जो इसका वर्तिकाग्र होता है यह जल की ऊपरी सतह पर आ जाता है तथा यह जल की ऊपरी सतह पर आ जाता है। यह जल की ऊपरी सतह पर आ जाता है। अब जैसे ही लहरें चलेंगी पानी में इधर से उधर तो यह जो परागकण है यह तैरते हुए वर्तिकाग्र के पास चला आएगा। अब यह तैरते हुए वर्तिकाग्र के पास आया तो जो इसके परागकण है यह जो परागकण है यह मूवमेंट करके इस पर चले गए तथा निषेचन की क्रिया को पूर्ण कर दिए। यह निषेचन की प्रक्रिया इसमें जल के ऊपरी सतह पर होती है। निषेचन की क्रिया को पूर्ण कर दिए तथा इसके पश्चात यह यहाँ पर गए तथा निषेचन की क्रिया को पूर्ण करके इसमें बीज का निर्माण किए। यह होता है जल परागण तथा जल परागण में माध्यम जल होता है तथा इसमें जो निषेचन होता है यह जल के ऊपरी सतह पर होता है, माध्यम इसमें जल होता है। इसका उदाहरण है वेलिसनेरिया। तो यह है वेलिसनेरिया का चित्र। इसमें मादा जो होता है यह एकल होता है और नर भाग ढेर होते हैं तथा इसमें यह इसका जो पुष्पक्रम होता है यह स्पैडिक्स भाग में व्यवस्थित होता है। तब जब यह नर भाग परिपक्व होता है तो यह स्पैडिक्स जो होता है या जो इसका बाहरी आवरण होता है यह फूलकर फूल जाता है तथा यहाँ से नर पुष्पक्रम निकलकर धीरे धीरे इनका घनत्व कम होता है जिसके कारण ये जल के ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। जल के ऊपरी सतह पर आने के बाद जो है उनकी पंखुड़ियाँ बंद है यह खुल जाती है। खुलने के पश्चात जो परागकण होते हैं वह बाहर चले जाते हैं, खुल जाते हैं। फिर जब परिपक्व मादा का जो जब मादा परिपक्व हो जाता है तो जो वर्तिका यहाँ पर कुंडली नुमा होता है यह फैल जाता है तथा वर्तिकाग्र को जल के ऊपरी सतह पर ला देता है तथा यहाँ पर जब नर भाग परिपक्व होता है मादा भाग वर्तिका परिपक्व होता है जब ये एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो परागण की क्रिया होती है तथा इसमें माध्यम जल होता है तो जिसे हम जल परागण कहते हैं। जल परागण में माध्यम जल होता है। इसका एग्जाम्पल वेलिसनेरिया है। अब इसके पश्चात जो हम लोगों का है या हम लोग अजैविक संसाधन, ये दोनों अजैविक संसाधन है। अब हम लोग जैविक संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। जो है जैविक संसाधन में पहला है कीट परागण, दूसरा है जंतु परागण। जैविक संसाधन में जो हम लोगों का ये दोनों भाग अजैविक हैं, अजैविक। ये दोनों भाग अजैविक संसाधन है तथा अब हम जैविक संसाधन इधर अध्ययन करेंगे। जैविक संसाधन में पहला है कीट परागण। जैविक संसाधन में जो हम लोगों का पहला है वह है कीट परागण वह परागण होता है जिसमें माध्यम का कार्य कीट करता है तो उसे हम लोग कीट परागण कहते हैं। कीट परागण वह परागण होता है जिसमें माध्यम का कार्य कीट करता है आइए अब हम लोग इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। या जो हम लोगों का एक पुष्प ये है, एक पुष्प बी है।
तो गाइज यह हम लोगों का जो है कीट परागण, कीट परागण में जो यह हम लोग एक पहले कीट बना लेते हैं। यह कीट यहां पर मकरंद, यह जो कीट है यह पुष्पों के पास मकरंद को चूसने के लिए आता है, मकरंद को चूसने के लिए आता है यहां पर। जब यह कीट यहां पर आया, जब यह मकरंद को चूसने लगता है तो यहां से जो यह परागकण परागकोष होते हैं, यहां से कुछ परागकण तथा जब यह इससे मकरंद को चूस रहा होता है तो यहाँ पर जो परागकण, जो परागकोष में परागकण होते हैं वह उसके डंक में लग जाते हैं, वह उसके डंक में लग जाते हैं। तथा जब यह किसी दूसरे पुष्प के मकरंद को, जब किसी दूसरे पुष्प पर मकरंद को प्राप्त करने के लिए जाता है तो वह वहाँ पर जो इसके मुख में परागकण लगे होते हैं वह दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं तथा निषेचन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, तो उसे हम लोग कीटों द्वारा परागण कहते हैं। अधिकांश परपरागण में कीट द्वारा ही परपरागण होता है, अधिकांश परपरागण में कीट द्वारा ही परपरागण होता है। यह हम लोगों का हो गया जैविक विधि द्वारा कीट परागण। इसके पश्चात अब दूसरा हम लोगों का है जंत परागण, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली। जंतु परागण जैसे जिसमें माध्यम का कार्य, जिसमें माध्यम का कार्य जंतु करे उसे हम लोग जंतु परागण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई खेत है, ये दो खेत है तथा इसमें रोपाई किया गया है, यह दो खेत हो गया, एक का नाम ए है एक का नाम बी है। जब कोई जानवर, जैसे यहां पर खेत ए में जो इसका पुंकेसर है, जिसे हम लोग नर भाग बोलते हैं, जो इसका पुंकेसर है तथा इसमें इसका जो स्त्री केसर है जिसे हम लोग वर्तिकाग्र बोलते हैं, मान लीजिए इसमें जो इसका पुष्प का जो नर भाग है वह विकसित है तथा जो पुष्प का मादा भाग है वह विकसित नहीं है, तो जब वह इसमें कोई जंतु प्रवेश करता है, तो जब जंतु प्रवेश करता है जंतु के पीठ पर या उसके बालों में चिपक जाते हैं परागकण, तथा यहाँ पर जो यह प्रक्रिया है इसमें जो है ये जो नर जननांग है परागकण परागकोष से पूर्ण रूप से विकसित नहीं है तथा इसमें वर्तिकाग्र पूर्ण रूप से विकसित है। तो जब यह जो कोई जानवर है जब इस खेत से इस खेत में जाता है तो यह
इसके जो पेट पर पराकर लगे होते हैं या उस पुष्प के वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं जिसके द्वारा जंतु द्वारा परागण हो जाता है, तो इसे हम लोग जंतु परागण कहते हैं। इसमें जो होता है नर जननांग पूर्ण रूप से विकसित होता है, इसमें नर जननांग पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता, इसमें मादा जननांग विकसित नहीं होता, इसमें मादा जननांग विकसित होता है। यह स्थिति है जब कोई जानवर इससे होकर गुजरेगा तो उसके पेट पर यह पराकर लग जाएंगे तथा जब यह दूसरे खेत में जाएगा तो दूसरे खेत के वर्तिकाग पर इससे जो पेट पर लगे होते हैं पराकर इस वर्तिकाग पर चले जाते हैं, क्योंकि वर्तिकाग जब परिपक्व होता है तो वर्तिकाग से कार्बनिक पदार्थ है जल तथा शर्करा स्रावित होने लगते हैं, तो वह वहां पर जाने के पश्चात इसको अवशोषित कर लेता है, फिर इसके पश्चात अवशोषित करने के पश्चात यह निषेचन की क्रिया को पूर्ण करता है। तो गाइस आज का क्लास काफी लंबा चला गया है, लेकिन यह जो हमने पढ़ाया है यह बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का पूछता है, तो यह हम लोगों का आज हो गया पर परागण। अब आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो या कोई डाउट हो तो उस पर कमेंट करिए, हम आपकी कमेंट सुनी जाएगी। तब तक मिलते हैं आप लोगों के लिए फिर से नेक्स्ट क्लास में हम लोगों का जो रहेगा वह पर परागण से लाभ तथा पर परागण से हानि होगा। तब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।